लिपिड टाइप्स अंदर दूसरा ग्रुप है पहला ग्रुप जो है दैट इज द ट्राइसारिकोल एंड सेकेंड वन इज द वो थर्ड वन जो हमारे पास वो स्टीरॉयड्स हैं फॉसफोलिपिड्स के पास द कंटेंट डिफाइनिंग फॉसफोलि मालिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्सफोलिपिड दे फंक्शन एंड द टाइप्स ऑफ फॉसफोलिड बस वट फॉस्फोलिपिड्स फॉसफोलिपिड्स को अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें इट इज अप ऑफ वन गोल मॉलिक्यूल, टू फैटी एंड वन फॉस्फेट ग्रुप तो हम कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपड आर द मॉलिक्यूल्स विच आर अप ऑफ ग्लिस्टरोल बैकबोन टू विच टू फैटिएसर्स आर अटैच एंड वन फॉस्फेट ग्रुप इज देयर एंड अलॉन्ग विद दिस फॉस्फेट ग्रुप वन नाइट्रोजनस ग्रुप इज ऑल्सो देयर जिस तरह से ये हमारे पास जाओ चीजों का कंबिनेशन है इट इज कम्बिनेशन ग्लिसरॉल, टू फैटी एसिड्स, फास्फेट एंड अ नाइट्रोजन बेस मालिकुलर स्ट्रक्चर अगर हम यहां देखें अभी जो फोर पार्ट्स का हमने जिक्र किया है बैकबोन जो फॉस्फोलिपिड की बैकबोन है इट इज मेड अप ऑफ ग्लिस्टरोल ये ग्लिसरॉल है गिलिस्टर बैकबोन ग्लिस्टरोल के साथ दो फैटी अटैच हैं फैटी एसिड वन एंड फैटी एसिड टू देर टू फैटी एसिड्स. तीसरी चीज जो है दैट इज फास्टफेट ग्रुप दिस वन इज द फास्टफेट ग्रुप एंड फोर्थ वन दिस एक्स यहां कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस होगा एक्चुअली देर आर फोर डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस उन फोर में से कोई एक नाइट्रोजन बेस इस पोजीशन के ऊपर अटैच होगा ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो मालिकुलर स्ट्रक्चर में हमें दो चीजें बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं एक तरफ फास्फेट ग्रुप है फास्फेट ग्रुप इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज ये पोलर ग्रुप है दूसरी तरफ फैटी हैं फैटी जो है वो कोई चार्ज कैरी नहीं करते देर नंबर नॉन पोलर तो हम कह सकते हैं कि फॉसफो का एक एंड चार्ज कैरी करेगा जबकि दूसरा एंड जो है वो चार्ज कैरी नहीं करेगा ऐसे एक टर्म यूज किया एम्फीपैथिक यानी कि ड्यूल और आमतौर पर जब हम इसका स्ट्रक्चर सिंबलाइज करते हैं तो हम इसको यूँ बनाते हैं ये हेड ग्रुप हेड ग्रुप बेसिकली फास्फेट और ग्लिसरोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ दो हम ये इसकी टेल्स बना देते हैं जो है, ये जो टेल्स हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं फैटी एसिड्स को तो इस तरह से फैटी एसिड्स में हेड ग्रुप इज द पोलर ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जबकि जो टेल्स हैं ये नॉन पोलर हैं ये कभी वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये फैटी एसिड्स हैं वट इज द फंक्शन ऑफ फॉसफोलिपिड्स फॉसफोलिपिड्स एनर्जी के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट नहीं है इनका जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का टर्म का मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड इवन ऑल ऑर्गेनैली जितनी भी ऑर्गेनैली हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी सारी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती हैं अगर आप देखें तो ये लेयर हमेशा बाई लेयर्स हैं लिपिड जितनी मेम्ब्रेन हैं ये बाई लेयर हैं और ये अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आपको बड़ा क्लियर देखें ये एक मेम्ब्रेन है इसके जो ब्लू हेड्स हैं दोनों तरफ दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पोलर हेड्स और दरमियान में जो ग्रे टेल्स बनी हुई हैं वो फैटी एसिड को रिप्रेजेंट कर रही है। दो हैं दो फैटी एसिड्स हैं हेड्स वाटर की तरफ हो जाते हैं जब आपके टेल्स दरमियान में आकर आ जाती हैं तो लिपिड बाई लेयर को अगर हम देखें इसका दरमियान वाला पोर्शन हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि कि वहाँ टेल्स मौजूद हैं वाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वैसे उसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं विद रेफरेंस टू फैटी एसिड्स कि अगर फैटी एसिड आप दो फैटी एसिड्स हैं आप एक दफ़ा टेन कार्बन वाला लगा दें दूसरी दफ़ा ट्वेल्व वाला लगा लें तीसरी दफा फोर्टीन वाला लगा लें चौथी तो, दफा आप सिक्सटीन वाला लगा लें तो आप फैटी एसिड चेंज करते जाएंगे तो फॉस्फोलोबिट की एक नई टाइप बनती चली जाएगी लेकिन नाइट्रोजन बेसिस की अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की बेस के ऊपर फोर टाइप्स हैं इसकी वो फैटी एसिड जिनके अंदर एथानोल अमीन अटैच होगा फास्फेट के साथ उनको आप कहते हैं फॉस्फिटाइल एथनोल अमीन फॉस्फिटिडाइल इथानोल अमीन जिनमें कोलिन अटैच होता है दे आर कॉल्ड फास्फिटाइल कोलिन जिनमें सीरिन अटैच होगा दे आर फास्टिडाइल सीरिन और जिनके साथ इनोसिटोल अटैच होगा दे विल बी कॉल फॉसफिटाइल इनोसिटोल अच्छा ये फॉस्फिटाइल क्या है वो जो पेरेंट मालिक्यूल है जो उसको कहते हैं फॉसफेटाइडिक एसिड फॉसफोलिक का जो है जिसके आगे अगर नाइट्रोजन बेसिस अटैच करते जाए तो फॉसफेटाइडा टाइडिक एसिड से आगे है वो कोलिन इनोसिटोल सीरिन और जो है वो बन जाते हैं